एमएलएसयू की कुलपति के खिलाफ एमजी कॉलेज की छात्राओं ने एमजी रोड स्थित कॉलेज के बाहर किया प्रदर्शन। कुलपति का पुतला फूंका। एमजी कॉलेज की छात्र संघ अध्यक्ष किरण वैष्णव ने बताया कि हाल ही में मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा परिणामों में काफी गड़बड़ी सामने आई थी, जिस पर कल विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड कॉलेज के छात्रों ने भी प्रदर्शन किया था। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर सुनीता मिश्रा ने व्हाट्सएप पर एक छात्रा को अभद्र जवाब दिया था, जिस पर सभी छात्रों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी के खिलाफ आज एमजी कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज परिसर के बाहर प्रदर्शन किया और कुलपति का पुतला भी फूंका। वहीं छात्राओं का आरोप है कि एमजी कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्राओं द्वारा विरोध करने पर छात्राओं को कार्यवाही करने की धमकी दी है। और हम लोग, हम जितनी भी बहनें हैं, सब कल यूनिवर्सिटी गए थे और वहां पे हमने एक धरना प्रदर्शन किया। वहां पे हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और आज भी हमने एक ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया और उसमें हमने सारी बहनों ने कुलपति जी का पुतला बनाया, उसको जलाया है। और वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल सर भी आए और उन्होंने हमको ये चीज़ बोला कि हमारे ऊपर कार्रवाई की जाए। हम हमारी मांगों को लेकर वहाँ पे गए थे, हमने इसलिए हम प्रदर्शन किया था, बट जबकि कुलपति जी सुनीता मिश्रा जी है, उन्होंने हमारे लिए, बहनों के लिए गलत अपशब्द का प्रयोग किया है। तो हम यही चाहते हैं कि वो सारी बहनों से माफ़ी मांगे। आज एबीवीपी द्वारा महाविद्यालय में कल हम कुलपति महोदय के पास गए थे अपना रिजल्ट के हटाने के विषय को लेके। तो वहाँ कुलपति महोदय द्वारा एक छात्रा को अपशब्द बोले गए, तो इस अपशब्द बोलने की वजह से सारी लड़कियाँ आक्रोश में आ गई और आक्रोश में आकर उन्होंने एमजी के बाहर आज प्रदर्शन करा गया, जिसमें कुलपति महोदय का पुतला बनाकर जलाया गया तथा उनको के जल्द से जल्द आके उस लड़की से माफ़ी मांगे और यूनिवर्सिटी में जितने रिजल्ट में जो धांधली हुई है वो सारी हटाई जाए। हमारी मैम से यही निवेदन है।